ये तो आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण हुआ था, तब उस सभा में कोई भी नहीं आया था उनकी रक्षा करने वाला। यहाँ तक कि द्रौपदी के पांचों पतियों ने भी उनकी रक्षा नहीं की। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उनकी लाज बचाई। लेकिन इस घटना के पीछे द्रौपदी के कर्मों का फल था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत के अनुसार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रथम अर्घ दिया, जिससे शिशुपाल क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण को गालियां देने लगा, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया था, जिससे उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से रक्त निकलता देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली में पट्टी बांध दी थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी बढ़ा दिया और द्रौपदी की लाज बचाई। इसके अलावा द्रौपदी का एक कर्म पिछले जन्म का भी था, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। एक बार की बात है, द्रौपदी के किसी पिछले जन्म में एक नदी में एक संत स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उनकी लंगोट खुलकर बह जाती है। संत बहुत ही लज्जित अवस्था में नदी के अंदर ही खड़े रहते हैं, लेकिन नदी के बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। यह देखकर द्रौपदी उनके पास जाकर उनको नमन करती है और संत से उनके नदी से बाहर ना निकलने का कारण पूछती हैं। तब संत सारी बात बताते हैं। इस पर द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर संत को दे देती हैं, जिसे पहनकर संत नदी से बाहर निकल पाते हैं। इसके बाद संत जी द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि आज जैसे तुमने मेरी लाज बचाई है, भगवान तुम्हारी लाज बनाए रखें। इसी कर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी।